मनहूस लाहौर कलंदर फर्जी शाहीन शाह अफरीदी और फर्जी टेपिया और फर्जी एवरीवन, ये पानी से चीयर्स मनहूसो डूब मरो इस पानी चुल्लू भर पानी में, मतलब कि हदे पार हो गई यार, बच्चा आके ठोक गया, प्रीति जिंटा की शक्ल वाला, डिंपल पड़ रहे, गड्ढे पड़ रहे गालों में, तुम्हारे गड्ढे हाथों में, फील्डिंग हो नहीं रही, बॉलिंग करा नहीं सकते, और बाबर आजम से वैसे बेटर नहीं लग रहा है। मनहूसो डूब मरो इस पानी चुल्लू भर पानी में, मतलब कि हदे पार हो गई यार, बच्चा आके ठोक गया, प्रीति जिंटा की शक्ल वाला, डिंपल पड़ रहे गालों में, तुम्हारे गड्ढे हाथों में, फील्डिंग हो नहीं रही, बॉलिंग करा नहीं सकते। एक बात बताओ, जब एंड में भी थोड़ा सा बहुत था कि भाई हम कुछ कर लेंगे, उसने टेपिया को छक्के मार दिए दो, शाहीन शाह अफरीदी आए हफ एंड पफिंग, है ना, हाफते हाफते आ रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी के, मैं करूंगा, मैं कप्तान हूं, ये T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी करेगा पाकिस्तान की। भाई उसने रख के छक्का मारा लॉन्ग ऑन के ऊपर से, शॉर्ट बॉल कराई जस्ट शॉर्ट ऑफ अ लेंथ, रख के छक्का मारा, और बाबर आजम से वैसे बेटर नहीं लग रहा है। मैं कितनी बार बोलता हूँ, पाकिस्तानी मेरे से बहस करते हैं कि भाई प्लेयर वो है जो मैच फिनिश करके दे, ये 21 साल का लड़का, शक्ल इसकी प्रीति जिंटा जैसी और काम इसके जावेद मेजाज वाले, मतलब मैच फिनिश करके आया है, कहीं पे बीच में रुका नहीं, विकेट्स भी गिरती रही, मुझे लगा चलो इसके पास तो बैटिंग नहीं है, राइली रूसो आउट हो गया, ऊपर से तुम्हारा कौन आया था भाई वो महान रदरफोर्ड, तो बाद में आया ना, पहले कौन आया था, जेसन रॉय आउट हो गया, राइली रूसो आउट हो गया, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आउट हो गया, सबके सब आउट हो गए, ये नहीं आउट हुआ, अकेला मारता रहा 50+। टेपिया के एक ओवर में दो छक्के मार दिए, शाहीन शाह अफरीदी जी मैं हूं पाकिस्तान का कप्तान, ले ले कप्तान बन ले ले, बच्चे ने ठोका है भाई 21 साल के बच्चे ने, कम से कम बाबर आजम को थोड़ी शर्म होनी चाहिए, उसको भी देखना चाहिए कि मैच फिनिश कैसे करते हैं, और कहीं पे भी बौखलाया नहीं, वो प्रेशर नहीं लगा उसके शक्ल के ऊपर। सबसे बढ़िया बात मैं आपको बताऊं उसकी, टेपिया को तो पूरी दुनिया मारती है, और मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये वाला यार, स्क्रीनशॉट जरूर दिखाना, जो शाहीन शाह अफरीदी ने उसके सर पे ऐसे किया ना, यूं करके करा है, हालांकि दिल में तो हो रहा होगा यार बच्चे ने ठोक दिया, लेकिन उसकी शाबाशी दी है उसको, अच्छा है, अच्छा लगा मुझे ये बात। सबसे बड़ी मैच की शॉट ही वो थी जो इसने शाहीन शाह अफरीदी के ओवर में पहली बॉल पे छक्का मार दिया, फर्स्ट बॉल थी मेरे ख्याल से, जैसे ही वो आया बाद में लास्ट में डेथ ओवर्स में वो आया, आई थिंक 30-31 रन चाहिए थे चार ओवर में 30-31 रन चाहिए थे, अगर वहां पे शाहीन इसको आउट कर लेता मैच पलट सकता था, बट इसने बोला ऐसा कुछ नहीं हो रहा, आज हम मैच जीत रहे हैं। ख्वाजा नफे को आप देखिए भाई, 200 की स्ट्राइक रेट से मारा है यार, कौन है ये शक्ल से प्रीति जिंटा डिंपल वाला लड़का, हंसे जा रहा है, देख अभी भी दोनों गालों में डिंपल बॉय, ये डिंपल इज नॉट सिंपल, और इसको राइली रूसो ने बोला भाई तूने करके दिखाया, और पूरी टीम को देख लो, जेसन रॉय 19/24 126 की स्ट्राइक रेट, चलो शाउट शकील थोड़ा अच्छा खेल गया, उम्मीद से बेहतर खेल गया 173 की स्ट्राइक रेट, मगर उसके बाद देखो राइली रूसो 13/18 कुछ नहीं, सरफराज अहमद 8/11 कुछ नहीं, रदरफोर्ड 12/14 कुछ नहीं, अकील हुसैन 9/9, मतलब सबने, अगर ये आउट हो जाता ख्वाजा नफे तो ये मैच हार जाते, अकेला मारता रहा, 3 छक्के मार दिए 4 चौके मार दिए, और ये 3 छक्कों में भाई 2 छक्के टेपिया को मारे हैं और 1 छक्का शाहीन शाह अफरीदी को मारा है, शॉट ऑफ द मैच शाहीन शाह अफरीदी को पड़ी है, और इकोनॉमी रेट देख लो आप, एज यूजुअल टेपिया मेरा भाई, एज यूजुअल 4 ओवर में 47 रन्स, एवरीथिंग एल्स इज परमानेंट, एवरीथिंग एल्स इज टेम्पररी, टेपिया कुटाई इज परमानेंट, हर बार मार खाता है। जमान खान अच्छी बोल, देखो इन दोनों बड़े बड़े धुरंधरों से ये किस मुंह से खेलेंगे वर्ल्ड कप, वैसे ये बताओ, शाहीन शाह अफरीदी को मार पड़ रही है, हारिस रॉक को मार पड़ रही है, मान लिया शाहीन अफरीदी ने एक अच्छी यॉर्कर मारी, बोल्ड भी उसने किया, लेकिन कोई कॉन्सिक्वेंस की विकेट नहीं है ना यार, जो मेन बैटर है जो तुम्हें ठोक के चला गया, फयाज टक्कर को भी नॉक इकोनॉमी है, सिकंदर रजा ने थोड़ी बहुत ठीक बॉलिंग कर ली, जहानदाद खान वो भी 11 की इकोनॉमी, मतलब सारी सबकी बिटाई हुई है, और अब ये देखो कि यार ये पिछला मैच भी 2 ओवर पहले हार गए थे, आज भी 1-2 ओवर पहले मैच डेड हो चुका था, क्या था खत्म, लास्ट ओवर में 5-4 रन चाहिए, 2 ओवर में 11 रन चाहिए, 4 ओवर में 30 रन चाहिए, नथिंग, मैच से बहुत पहले हार गए थे, पैनिक नहीं किया, बैटिंग पे आजा, बैटिंग पे डिफरेंस तो यहीं पर था ना, कि अगर लाहौर कलंदर की टीम 9 ओवर के अंदर 60 रन पूरे कर रही है और दूसरी तरफ सिर्फ 6 ओवर से पहले ही अगर आप देखो तो 60 रन पूरे हो गए थे क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम के, मेन डिफरेंस हो ही वही गया था कि स्टार्ट इतनी ज्यादा पावर सॉलिड हो गई, और आप ये देखो कि साउथ शकील ने एक आपको बहुत अग्रेसिव स्टार्ट दी, साउथ शकील ने आपका वो एक नींव रखा, स्टार्ट अच्छी दी, उसके बाद ख्वाजा नफे जैसे ही नंबर 3 की पोजीशन पर आते हैं
अब ये देखो कि 22 साल का लड़का ख्वाजा नफे, पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक T20 लीग्स होते हैं ना, वहां पर भी ख्वाजा नफे अपने नो लुक सिक्स के लिए बहुत फेमस है, और आज इन्होंने हारिस रौफ को भी नो लुक सिक्स पे दे दिया यार। और इसने देख, आप इस लड़के की मैं क्यों तारीफ कर रहा हूँ, मेरे को मैच विनर ऐसे बड़े पसंद आते हैं जो अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। पाकिस्तान का क्रिकेट ही अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, पता नहीं क्यों ये लोग बाबर आजम ये फालतू, चलो अब तो वो भी थोड़ा सा अग्रेसिव खेलने लगा 160 की स्ट्राइक रेट से, लेकिन ये 200 की स्ट्राइक रेट, ये है मैच फिनिश करने वाला काम, ये है कि मैच को डेड कर दिया कि चांस ही नहीं है ऑपोजिशन पे। आ जाओ, कितने बड़े खलीफा हो तुम, शाहीन आफरीदी तू आ जा, टेपिया तेरे को तो मारूंगा ही मारूंगा। टेपिया ने पहली बॉल पे छक्का खाया, फिर टेपिया ने आउट भी कर दिया उस ओवर में। किसको आउट किया भाई उसने, उसको आउट करा था टेपिया ने पहले, राइली रूसो को आउट भी कर दिया कैच पे। उस ओवर की लास्ट बॉल पे फिर से छक्का मार दिया, मतलब कि ये लास्ट बॉल या लास्ट बॉल से पहले वाली बॉल थी, मतलब कि ये रुका ही नहीं, इसने कभी भी प्रेशर लिया नहीं, प्रेशर दिया। और इस मोमेंट की बात कर रहा हूं मैं, इतना खूबसूरत मोमेंट था। मेरे को हमेशा अच्छा लगता है कि सीनियर जो है ना वो जूनियर क्रिकेटर्स को हमेशा एनकरेज करें, तो दिस वाज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट। कि आज भाई ये नफे ने जब टेपिया को, तो मैं अगेन बोलूंगा पूरी दुनिया पीटती है भाई, टेपिया को तो ये पांडे जी छक्का मार देंगे, लक्षित भी, मतलब लक्षित मुश्किल है थोड़ा सा उसके लिए, लेकिन फिर भी मार देगा, टेपिया ऐसा बोलर है। लेकिन शाहीन शाह आफरीदी को डेथ के अंदर, जब आप इतने एक्सपीरियंस बैटर नहीं हो, वो कप्तानी कर रहा है लाहौर कलंदर की, और वो वैसे भी पाकिस्तान का कप्तान है भाई, वो पाकिस्तान का कप्तान है, वो उसको तुमने छक्का मार दिया, वहां पे मैच खत्म हो गया। कि 1% जो चांस था ना, वैसे तो मैच पहले ही खत्म कर दिया था इस नफे ने, ख्वाजा नफे ने, लेकिन 1% चांस जो बचा हुआ था ना, कि शायद शाहीन शाह आफरीदी एंड में आके, मैं होप कर रहा था बिकॉज मैं लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहा था कि भाई शायद वो एंड में आके कुछ कर दे, ना भैया ना, उसने बोला नथिंग डूइंग, मैच यहां पे मैं डेड कर रहा हूं यार। ये तो 210 भी चेस कर जाता आज जिस तरीके से खेल रहा था, बिकॉज आप ये देखो ना, जब 24 गेंदों में तकरीबन रन बॉल वाला मामला आ गया था वो शाहीन के छक्के के बाद, उसके बाद इसने फालतू का रिस्क लिया ही नहीं। बहुत बढ़िया, जैसे कि ख्वाजा नफे को पता था कि यार अगर मैं रिस्क लूंगा मेरे पीछे बैटिंग नहीं है, तो इस लड़के ने आज आपको इतनी ज्यादा सेंसिबली बल्लेबाजी करके दिखाई है। बट फिंगर्स क्रॉस में कहते हैं, जो टैलेंट इन्होंने आज यहाँ पर दिखाया है, ये आगे जाते हुए कंटिन्यू रहे, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर हमने बहुत टैलेंट देखे आया, लेकिन डिमिनिश बहुत जल्दी हो जाता है, या डिमिनिश ना हो ऐसी कंटिन्यू। पाकिस्तान में प्रॉब्लम एक ही है, अब मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, चाहे आपको कड़वी लगे चाहे जो भी लगे, साहिब अयूब था इनका, इन्होंने बहुत हाइप करा कि साहिब अयूब को खिलाओ, साहिब अयूब को खिलाओ, वो भी कराची का लड़का था मेरे ख्याल से, ये भी कराची का बच्चा है ना, ये क्वेटा से खेल रहा है। अब क्योंकि मैंने इतना ज्यादा पॉडकास्ट करा, आपको पता है स्पेसिस सेशन करा पाकिस्तानियों के साथ, तो मेरे को जो चीजें नहीं भी पता थी ना, क्योंकि मैं डायरेक्ट इंटरेक्शन जब आपका पब्लिक के साथ होता ना, आपको अंदर की बात पता चलती है। कराची वालों के साथ अनफेयर तो होता ही है, ये तो प्रूवन फैक्ट है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने मीडिया का रिएक्शन सुना यहाँ पर हारिस रऊफ और शाहीन शाह आफरीदी के बारे में, इंडियन मीडिया का कहना था कि बहुत फर्क पड़ा।